जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th की मैथ। इसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 की। आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज में जो हम लोग कुछ फार्मूलेज का प्रयोग करेंगे, फार्मूलेज को इसको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या, जिसमें हम लोग इसको लिखेंगे जेड से। किसको लिखेंगे जेड से? जेड बराबर फार्मूला कहेंगे एक्स प्लस आई वाई, और इसी का अगर हम लोग संयुग्म में लेंगे तो जेड बार से लिखेंगे और इसको एक्स माइनस आई वाई से लिखेंगे। बस इतना आप लोग ध्यान रखना इसमें यूज करने वाले हैं। तो इसके जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से, एक्स प्लस आई वाई क्या है? पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, एक्स प्लस आई वाई फिर दो माइनस तीन आई बराबर 4 प्लस आई। हमें करना क्या है, x तथा y के वास्तविक मान ज्ञात करना है। वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस तीन आई एक्स, इसके साथ गुणा करेंगे प्लस दो आई वाई, इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस तीन आई स्क्वायर और वाई। इसके पहले वीडियो में यानी 5.1 में हमने आपको पढ़ा दिया था कि आई स्क्वायर का जो मान है, आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है, तो आप लोग जानते हो। तो यहां पर ये हो गया 2x माइनस, यहां पर एक काम करते हैं, आई को ले लेते कॉमन। जब आई को कॉमन लेंगे तो ये माइनस 3x है तो प्लस 3x, क्योंकि माइनस भी कॉमन हो गया, माइनस 2y, आई स्क्वायर का मान माइनस 1, माइनस माइनस प्लस प्लस 3y, और बराबर क्या लेंगे 4 प्लस आई। अब इसको और इसको एक जगह लिखेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस आई 3x माइनस 2y बराबर 4 प्लस आई। अब वास्तविक मान और काल्पनिक मानों की तुलना करेंगे, वास्तविक मान और काल्पनिक मानों की जब तुलना करेंगे तो आई को हम लोग कहते हैं काल्पनिक मान और विदाउट आई वाले को कहते हैं वास्तविक मान, ठीक है। तो ये 2x प्लस 3y 4 के बराबर है तो 2x प्लस 3y बराबर 4 समीकरण बना फर्स्ट। अब इसकी तुलना करेंगे तो माइनस 3x माइनस 2y बराबर ये हो जाएगा, आई के गुणांक ही लेंगे तो इसमें आई का गुणांक लिया, इसमें आई का गुणांक है 1, इसको माइनस को उधर भेज दो तो 3x माइनस 2y बराबर माइनस 1 समीकरण बन गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, तो इसका नियम आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हो, प्लस माइनस होने पर जोड़ते हैं। और इसको काटने के लिए समीकरण इस 3 का इसमें गुणा करेंगे, यानी समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे, गुणा करके जोड़ेंगे, ठीक। तो 2 × 2 = 4x प्लस 2 × 3 = 6y बराबर 2 × 4 = 8, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9x माइनस 3 × 2 = 6y बराबर माइनस 3 × 1 = 3। तो हम लोग जानते हैं ये तो मान कटेगा, ये हो जाएगा 13x बराबर, ये घटेगा तो बचेगा 5, ये बटे में आ जाएगा तो x बराबर 5/13। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान चाहो तो समीकरण 1 में रख लो, चाहो तो समीकरण 2 में रख लो, तो x का मान समीकरण रखेंगे हम लोग फर्स्ट में, तो यहां पर 2 को 2 लिखेंगे, x की जगह 5/13 लिखेंगे और प्लस 3y लिखेंगे और बराबर 4 लिखेंगे, 5 × 2 = 10 उधर पक्षांतर कर देंगे तो 3y बराबर 4 माइनस 5 × 2 = 10/13, तो 3y बराबर 13 × 52, 52 × 10 = 42/13, काटो 3 × 1 = 3, 3 × 12 तो y बराबर क्या बचा 14/13। हमारे पास आंसर है x बराबर 5/13, y बराबर हमारे पास आंसर है 14/13, और इसको हम लोग फाइनली आंसर रख लेंगे। दूसरा सवाल में क्या कह रहा है, दूसरा सवाल में हमसे ये कह रहा है x तथा y की इसमें वास्तविक मान ज्ञात करना है, x माइनस 1। दूसरा सवाल है x माइनस 1/3 + i, 3 + i + y - 1 + y - 1/3 - i बराबर i। देखो
भिन्न करेंगे। भिन्न का क्या नियम है? भिन्न का नियम है इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका गुणा करेंगे। तो इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 3x, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो माइनस ix, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो माइनस 3, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस i, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो प्लस 3y, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो माइनस 3, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो प्लस आई वाई, इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस आई। बटे देखो ये वर्गांतर जब बना तो एक बार 3 का स्क्वायर एक बार आई का स्क्वायर बराबर आई, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर 3x और माइनस 3, ये 3 और ये 3 6, तो माइनस 6 और ये प्लस 3y, प्लस 3y, इन दोनों में हम लोग आई कॉमन लेंगे। जब आई कॉमन लेंगे तो माइनस भी कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का बचा और ये माइनस का बचा बराबर आई, और ये हो गया 3 का वर्ग 9 प्लस 1, क्योंकि आई स्क्वायर का मान माइनस 1 होता है। ये जुड़कर 10, 10 बटे में है, भाग में है, इसको गुणा में पहुंचा दो तो 3x माइनस 6 माइनस प्लस 3y माइनस आई x माइनस y बराबर 10i। अब तुलना कर लो, 3x माइनस 6 प्लस 3y बराबर 0 लोगे, उधर कोई अचर है नहीं तो 0 लोगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 6, प्लस में हो जाएगा तो 3 कॉमन है इसमें, 3 जो है ये कॉमन है, तो इसमें x बचा प्लस y बचा, 3 दूनी 6, समीकरण हो गया 1। इसमें देखो माइनस x माइनस y बराबर हो जाएगा 10, क्योंकि हम लोग i के गुणांक ही लेते हैं, इसको उधर भेज देंगे तो x माइनस y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस 10। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? प्लस माइनस होने पर समीकरणों को जोड़ते हैं, ठीक। देखो प्लस माइनस होने पर समीकरणों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 2 और ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 10। ये कैंसिल हो गया, x और x क्या बचा? 2x, ये घटकर हो जाएगा माइनस 8, 2 चौको 8, तो x बराबर माइनस 4। x का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 1 रखो, तो यहाँ पर माइनस 4 प्लस y बराबर 2, इसको उधर पक्षांतर कर दो प्लस में हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 6, तो आंसर आ गया 4 कॉमा माइनस 4 कॉमा 6, ठीक। ये हो गया आंसर, इतनी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे तीसरा। तीसरे में क्या लिखा है? i प्लस 1, फिर बाहर है y स्क्वायर, ठीक, फिर है प्लस i प्लस 6 और बराबर i प्लस 2, बाहर है x। देखो वास्तविक मान कैसे ज्ञात करेंगे इसमें हम लोग? जब इसमें वास्तविक मान ज्ञात करेंगे तो इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो i y स्क्वायर, प्लस इसके साथ गुणा करेंगे तो y स्क्वायर, प्लस ये तो आई और प्लस 6 बराबर, इसके साथ गुणा करेंगे तो आई एक्स और प्लस 2x, ठीक। इसको और इसको एक जगह कर लो तो ये हो जाएगा, इन दोनों में आई हो गया कॉमन, तो बचा वाई स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इस गुणांक 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 बराबर आई एक्स प्लस 2x। अब हम लोग तुलना करेंगे, कैसे तुलना करेंगे? तुलना हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि i और i का गुणांक तुलना कर लेंगे, तो y स्क्वायर प्लस 1 बराबर हमारे पास केवल x। अब हम लोग y स्क्वायर प्लस 6, तो y स्क्वायर प्लस 6 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 2x। i मतलब काल्पनिक मान और विदाउट i वाले वास्तविक मान, तो वास्तविक मान और काल्पनिक मानों की हम लोगों ने तुलना कर ली, तो यहां पर हमारे पास y स्क्वायर प्लस 6 बराबर हमारे पास क्या बचा? 2x बचा। अब x का मान क्या है? y स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6 बराबर 2 को 2 लिखो, x की जगह y स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 2 नहीं 1 लिख सकते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 6 बराबर इसका गुणा करेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 2। y स्क्वायर को उठाकर इधर पक्षांतर करके ले आओ और 6 को इधर ले जाओ, 6 को जो है आप लोग इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर 2 माइनस 6, ये घटकर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये घटकर माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आपके पास पता ही है कितना निकलेगा? 2, क्योंकि ये किसका वर्ग है? 4 जो है 2 का वर्ग है, इसको मान लो समीकरण 1। y का मान समीकरण 1 में रख दोगे
तो वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे आप लोग, दो, दो का वर्ग क्या है चार प्लस एक बराबर एक्स, तो एक्स बराबर आपके पास मान हो गया पांच। तो दोस्तों आपके पास जो आंसर है, आंसर आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया एक्स बराबर पांच वाई बराबर चार, और इसको आप लोग कर लोगे आंसर, वाई बराबर कितना दो, चार नहीं है, दो आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथे में ये है, क्वेश्चन नंबर चौथा ये है कि एक्स की घात चार प्लस दो आई एक्स, एक्स की घात चार प्लस दो आई एक्स माइनस तीन, माइनस तीन माइनस पांच आई, यानी तीन माइनस पांच आई, ये है, रुक जाइए फिर से चेक लेते, एक्स की घात चार प्लस दो आई एक्स ठीक है, माइनस तीन एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई, माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई फिर बराबर तीन माइनस पांच आई, तीन माइनस पांच आई प्लस एक प्लस दो आई वाई, प्लस एक प्लस दो आई वाई। देखो वास्तविक मान काल्पनिक मान को तुलना करके हल करेंगे इसको, एक्स घात चार को रहने दो, दो आई एक्स को रहने दो, माइनस होने पर कोष्टक में गुणा करते हैं, कोष्टक के चिन्ह को बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस तीन एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई, कन्फर्म, तीन को तीन रहने दो माइनस पांच आई प्लस एक प्लस दो आई वाई, ठीक यही तो है, ठीक। एक्स घात चार, एक्स तीन एक्स स्क्वायर, इसको एक जगह रखो, तो एक्स घात चार माइनस तीन एक्स स्क्वायर, इन दोनों को एक जगह रखो, इन दोनों में हम लोग आई कॉमन लेंगे, दो एक्स बचेगा और माइनस वाई बचेगा बराबर, ये दोनों एक जगह रखो और इन दोनों को एक जगह रखो, ये हो गया चार, और माइनस इसमें देखो माइनस आई कॉमन है तो बचेगा कितना जानते हो आप लोग, यहां पर बचे माइनस कॉमन ना लो, एक काम करते हैं इसको पहले लिखेंगे तो प्लस आई कॉमन लेते हैं, तो इसमें टू वाई बचेगा और ये माइनस पांच बचेगा, तो हम लोगों को वास्तविक मान और काल्पनिक मान की तुलना करने में हमें आसानी होगी, वास्तविक मान और काल्पनिक मानों की तुलना करेंगे तो एक्स घात चार माइनस तीन एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास वास्तविक मान है और ये चार वास्तविक मान है, तो बराबर क्या हो गया चार, ठीक। अब यहां पर इसको इधर ले आओ तो एक्स घात चार माइनस तीन एक्स स्क्वायर माइनस चार बराबर जीरो, चार एकम चार, चार का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पर तीन आ जाए, चार एकम चार, चार से एक घटा तो बचा चार यानी तीन, तो एक्स घात चार माइनस चार एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स स्क्वायर और माइनस चार बराबर जीरो, अगर माइनस करोगे तो समान चिन्ह पर जोड़ते हैं इसलिए प्लस कर लो इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस चार बचा प्लस एक, तो एक्स स्क्वायर माइनस चार बचा बराबर जीरो, दोनों कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस चार कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो। आप लोगों को पता है कि प्लस वाले को अग्रह कर देते हैं, छोड़ देते हैं, माइनस वाले को लेते हैं, मतलब इसको लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस चार बराबर जीरो, इसके बराबर इसको तो पक्षांतर करके ले जाओ, यहां सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर चार, तो एक्स बराबर ये किसका मान है, ये प्लस माइनस दो का मान है, वर्ग से निकालोगे तो रूट चढ़ाओगे इस पे, रूट का मान प्लस माइनस में होता है, तो एक्स बराबर प्लस माइनस दो, ये तो केवल हम लोगों ने वास्तविक मानों की तुलना करके निकाली है, काल्पनिक मानों की तुलना कर लो, आई आई दो एक्स माइनस वाई, तो दो एक्स माइनस वाई बराबर ये हो गया दो वाई माइनस पांच, दो को दो लिखो, एक्स की जगह दो लिखो यहां से देखकर, माइनस वाई और इसको उठा के दल लिया तो माइनस दो वाई बराबर माइनस पांच, दो दूनी चार उधर पक्षांतर कर दो, ये जुड़कर माइनस तीन वाई बराबर माइनस पांच माइनस चार, तो माइनस तीन वाई बराबर माइनस नौ, जीरो माइनस माइनस कैंसिल, तीन त्रिका नौ तो वाई बराबर हो गया तीन, तो वाई के लिए भी हम लोगों ने आंसर प्राप्त कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर पांच में यह है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समृद्ध संख्या शुद्ध वास्तविक है, शुद्ध वास्तविक जानते हो किसे कहते हैं, जीरो, शुद्ध वास्तविक समझना, पांचवा नंबर, पांचवा नंबर में यह है तीन प्लस दो आई, तीन प्लस दो आई बटे दो माइनस तीन आई, दो माइनस तीन आई प्लस
तीन माइनस दो आई, तीन माइनस दो आई बटे दो प्लस तीन आई, दो प्लस तीन आई। देखो आई का मतलब आयोटा, ठीक है, आई का मतलब आयोटा, हम लोग आई आई पढ़ रहे हैं, आप लोग समझना आई का मतलब आयोटा। अब इससे पहले हमने बताया था यहां पर इन दोनों का देखोगे कि दो और तीन, दो और तीन प्लस माइनस में है कि नहीं है। अगर ये दोनों संख्या अलग अलग है तो प्रत्येक का संयोग भी करोगे, मतलब इसके साथ इसका संयोग भी, इसके साथ इसका संयोग भी। अब देख पा रहे दोनों मान सेम से, प्लस माइनस का अंतर है, तो संयोग भी नहीं करेंगे तो भिन्न करेंगे। अब भिन्न का रूल क्या है, इसके साथ इसका गुणा, इसके साथ इसका गुणा, इसके साथ इसका गुणा। तो हम लोग ध्यान रखना कि आई का मतलब क्या होता है आयोटा, हम लोग सिंगल तौर पर आई पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया तीन दुनी छ, फिर तीन त्रिका नौ आयोटा, फिर दो दुनी चार आयोटा, दो तिया छ आयोटा का स्क्वायर, फिर इसमें दो तिया छ, फिर माइनस दो दुनी चार आयोटा, फिर तीन त्रिका माइनस नौ आयोटा, और माइनस माइनस प्लस, दो तिया छ आयोटा का स्क्वायर बटे, देखो नीचे वर्गांतर बन गया, दो तीन दो तीन, तो दो का स्क्वायर माइनस तीन आयोटा का स्क्वायर। अब समझना कि यहां पर चार माइनस में है, चार प्लस में है, छ छ नहीं कटेगा, और तो कुछ नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, तीन दूनी छ, हाँ ये नौ है, नौ कटना चाहिए, तो वही चेक कर रहे थे, हाँ नौ से नौ कैंसिल। अब समझना आयोटा स्क्वायर का मान आपके पास, आप लोग जानते हो कि जो आयोटा स्क्वायर है उसका मान माइनस वन होता है, तुम लोग माइनस वन रख के सॉल्व करेंगे इसको, तो छह और छह और छह बारह, तो ये हो गया बारह, छह और छह बारह, ये माइनस छह है क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस होता है तो माइनस छह, और ये माइनस छह बटे दो का वर्ग चार, और माइनस तीन का वर्ग नौ, और आयोटा का स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का नौ, ये छह छह बारह, तो बारह माइनस बारह बटे तेरह, नौ चार तेरह, ये कैंसिल हो गया जीरो, तो जीरो है, तो हम लोग कहेंगे ये शुद्ध वास्तविक है। क्या है? शुद्ध वास्तविक है, मतलब जीरो का मतलब क्या है, शुद्ध वास्तविक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर छ, थीटा का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर छ में थीटा का वास्तविक मान ज्ञात करना हमें, थीटा का वास्तविक मान ज्ञात करेंगे, तुम्हारे पास तीन प्लस दो आई साइन थीटा, तीन प्लस दो आई साइन थीटा बटे एक माइनस दो आई साइन थीटा, एक माइनस दो आई साइन थीटा। अब ध्यान देना, आई का मतलब जानते हो आयोटा, शुद्ध काल्पनिक मान है, थीटा का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए, और यह शुद्ध काल्पनिक मान है। अब ध्यान देना, यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संयुग्म में गुणा करेंगे। संयुग्म में गुणा का मतलब अंश व हर में वन प्लस टू आई साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा तीन प्लस दो आयोटा साइन थीटा, और ये वन प्लस दो आयोटा साइन थीटा, और बटे हमेशा ध्यान रखना नीचे वर्गांतर ही बनता है, तो हम लोग लिखेंगे दो आयोटा साइन थीटा प्लस दो आयोटा, यानी वन प्लस दो आयोटा साइन थीटा, ठीक। गुणा करो, तीन एकम तीन, फिर तीन दुनी छः, तीन एकम तीन, तीन दुनी छ आयोटा साइन थीटा, फिर ये हो जाएगा प्लस दो आयोटा साइन थीटा, इसके साथ इसका गुणा करेंगे आयोटा 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 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा दो दुनी चार, तो माइनस का चार साइन 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 स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है बटे वर्गांतर, एक का वर्ग एक माइनस दो का वर्ग होता है चार, आयोटा का वर्ग होता है माइनस, तो ये जगह प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां समझना हम लोग आयोटा के मान को अलग कर रहे हैं, तो तीन माइनस चार साइन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस चार साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस छह दो हो गया आठ, तो आई आठ साइन थीटा बटे वन प्लस चार साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्वेश्चन को अगर समझ गए
तो सब क्वेश्चन आपके लिए सिंपल। देखो क्या है, इनमें क्वेश्चन कहा था शुद्ध काल्पनिक मान, शुद्ध काल्पनिक मान को लोगे आप लोग। अब शुद्ध काल्पनिक मान है कहां, तो इसके बराबर ये आपको इसको जीरो ले लोगे आप। इसको क्या ले लोगे, जीरो मतलब 3-4 साइन स्क्वायर थीटा बटे 1+4 साइन स्क्वायर थीटा वाला क्या लोगे, जीरो। ये टोटल जीरो होगा तो ये मान बचेगा, तो यही मान बचेगा, तो यही तो है आपके पास काल्पनिक मान, शुद्ध काल्पनिक मान। काल्पनिक मान चाहिए, जब इस मान को जीरो कर दोगे तो आयोटा का मान बचेगा। आयोटा का मतलब काल्पनिक, आयोटा का मतलब काल्पनिक, जो इसका मान बचेगा तो ये काल्पनिक है, तो इसके बराबर जीरो लेंगे हम लोग। ये मान बटे में है, गुणा में पहुंच जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 1+4 साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक। तो ये हो जाएगा 3-4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो। तीन को उधर पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 को बटे में पहुंचा दो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, इसको हटाओ रूट चढ़ाओ तो साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4। यहाँ पर कौन काम में आ रहा, देखो 11 पॉइंट पढ़ा दिया, 3.11 पढ़ा दिया हमने, 3.11 काम में आएगा, व्यापक मान लगाना पड़ेगा। स्क्वायर का व्यापक मान हमने बताया था, अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, 3.11 को क्लियर कर लीजिए, 3.11 को। ये साइन 60 का मान है ये, तो साइन थीटा बराबर साइन क्या लिखेंगे हम लोग, π/3, साइन साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, π/3, थीटा बराबर π/3, व्यापक मान लगा देंगे। आप लोग जानते हो व्यापक मान, अगर 3.11 पढ़े हो तो साइन स्क्वायर का व्यापक मान क्या होता है, थीटा बराबर n π ± π/3, आंसर हो गया। क्या है, n π ± π/3 आंसर हो गया, ले लीजिए इतने का स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 8, क्योंकि 7 को आप लोग सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 6 लगाए थे ना, वैसे क्वेश्चन नंबर 7 को भी लगाना आप लोग, अंश व हर से लगाना। और इसमें भी शुद्ध वास्तविक मान है, तो शुद्ध वास्तविक मान वाले में आई वाले मान को जीरो के बराबर रखना, जो आई वाला मान है ना उसको जीरो के बराबर रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, 1+i^n, 1+i^n यही तो है, 1+i^n, फिर इसके बाद बटे 1-i^n-2, ठीक। वास्तविक है तो n का मान न्यूनतम धन पूर्णांक की मान रखते, वास्तविक है, वास्तविक का मतलब जानते हो i के बराबर जीरो रखना, और काल्पनिक मतलब वास्तविक मान के बराबर जीरो रखना, तो समझना। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गुणा में घाते जुड़ती है, भाग में घाते घटती है, तो नियम पता ही आप लोगों को, तो 1+i^n इसको लिख सकते हैं 1-i^n इंटू 1-i, आई का आयोटा है -2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो n -2 हो जाएगा। ये 1+i^n और 1-i^n, ये माइनस में इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1-i^n नहीं होल स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को एक ही घात लिख सकते हैं हम लोग, तो 1+i^n/i^n और ऊपर 1-i^2। इसका हम लोग संयुग्मी गुणा करेंगे, संयुग्मी गुणा क्यों करेंगे, नीचे वाले आयोटा का नियम ही है, नीचे जो भी संख्या होती है उसका संयुग्मी गुणा, तो 1+i^ और नीचे चिन्हों का 1+i^ उल्टा गुणा बटे 1-i^ और ये 1+i^ ये हो गया होल स्क्वायर, बराबर नहीं इनटू में 1-i^ का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। तो इसका होल स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर + i^ का स्क्वायर और +2i^ बटे, ये वर्गांतर हो गया, तो 1 का स्क्वायर - i^ का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1-i^ का होल स्क्वायर, ठीक है। रुक जाइए, यहाँ पर घात n है, आयोटा का स्क्वायर का मान जानती हो -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर और 1 से कैंसिल, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, ठीक। यहाँ बचा 2i बटे आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो -+ हो जाएगा, तो 1+1 / n और ये हो जाएगा 1-i^2 होल स्क्वायर,
अब ये हो जाएगा टू आयोटा बटे टू, क्योंकि जुड़कर टू घात हो गया एन, और वन माइनस आयोटा स्क्वायर, टू से टू कैंसिल, ये आयोटा की घात एन, तो आयोटा की घात एन, इसका होल स्क्वायर खोल लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू आई, इसी कैंसिल, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस वन, ठीक, तो ये बचा आई की घात एन और ये बचा टू माइनस दो आई। इसमें ध्यान रखना, अगर हम लोग n का मान यहाँ पे देखो, तो गुणा में घात जुड़ती है, तो i की घात n प्लस एक और इंटू माइनस दो, अब n का मान अगर एक रखेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, i की घात एक प्लस एक इंटू माइनस दो, तो i की घात दो इंटू माइनस दो, आयोटा का मान माइनस वन होता है, माइनस वन इंटू माइनस दो, तो बचा क्या दो, दो प्लस एक ही माइनस में प्लस में है, तो ये क्या है शुद्ध वास्तविक है कि नहीं है, ये क्या है शुद्ध शुद्ध वास्तविक है ये, अर्थात हम लोग कहेंगे n का मान हमारे पास कितना निकला एक, तो ये हो गया हमारे पास आंसर, n का मान हमारे पास क्या निकला एक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नौ, क्वेश्चन नंबर नौ, कौन सा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n है जिसके लिए वन प्लस आई की घात, वन प्लस आई की घात दो एन, यानी दोनों की घात दो एन बराबर वन माइनस आई की घात दो एन, ठीक, ये है, तो n का मान हमसे ये पूछ रहा है, n का मान हमसे ये पूछ रहा है, तो देखो इसको इसके बटे में ले आओ, तो जगह 1 प्लस i बटे 1 माइनस i, दोनों की घात हम लोग 2n कर सकते हैं, बराबर इसमें एक बचा, क्यों, क्योंकि इसके गुणांक एक मान सकते हैं हम लोग, और इसको इसके बटे में पहुंचा सकते हैं। अब आंसर वह हर से करो, मतलब 1 प्लस i और 1 प्लस i का ऊपर भी गुणा, 1 माइनस i नीचे भी 1 प्लस i का गुणा, और दोनों की होल घात है 2n बराबर एक, इसको होल स्क्वायर खोलो, तो ए स्क्वायर प्लस टू आई बटे, ये हो गया वर्गांतर, तो वन माइनस आई स्क्वायर की घात टू एन बराबर एक, तो इससे ये कैंसिल, आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता ही है, तो ये होता है टू आई और ये हो गया प्लस वन, जैसे यहाँ पर किया था हम लोगों ने, तो ये जगह टू की घात टू एन बराबर वन, इससे ये कैंसिल, तो ये होगा आई की घात टू एन बराबर वन। अब हम लोग यहाँ पर ऐसा कर सकते, ध्यान रखना कि आई स्क्वायर की घात एन बराबर वन, आई स्क्वायर की घात एन बराबर वन, अब यहां पर आई स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस वन, तो इसका मान माइनस वन की घात एन बराबर वन, अगर एन का मान एक रखते तो माइनस वन बचेगा, हमें प्लस वन लाना है, तो एन का मान हम लोग क्या रखेंगे दो, जब दो रखेंगे तो माइनस वन की घात दो बराबर वन, तो ये प्लस वन हो जाएगा और बराबर प्लस वन, यानी हम लोग कहेंगे हमारे पास जो एन का मान निकला है वो दो निकला है, तो एन का मान हमारे पास क्या हो जाएगा दो, यही है आंसर, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दस, क्वेश्चन नंबर दस में यह है, यदि जेड एक सम्मिश्र संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि, दस नंबर देखिए, जेड एक सम्मिश्र संख्या है, तो जेड बराबर हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई को हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने ये कहा है ए पार्ट में, जेड बराबर जेड बार, ए पार्ट में जेड बराबर जेड बार, जेड बराबर जेड बार, जेड शुद्ध वास्तविक है। अब देखो जेड शुद्ध वास्तविक है, ये कह रहा है जेड शुद्ध वास्तविक है। अब ध्यान देना कि इसका जेड बार का मान जानते हो, इससे पहले भी हमने बताया था शुरुआत में, तो जेड बार का मान होता है एक्स माइनस आई वाई, तो जेड की जगह लिखोगे एक्स प्लस आई वाई और इसके जगह लिखोगे एक्स माइनस आई वाई, इसकी जगह ये मान रख लिया, इसकी जगह एक मान रख लिया, तो एक्स से एक्स कैंसिल, ये इधर पक्षांतर करके लाओ, तो आई वाई बराबर क्या हो जाएगा आई वाई प्लस आई वाई बराबर क्या हो गया जीरो बचा, ये हो गया टू आई वाई बराबर क्या हो गया जीरो बचा, ठीक है, यानी टू आई वाई गुणा में है, इसके बटे में आ जाएगा जीरो हो जाएगा, तो टू वाई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो आई बराबर क्या हो गया जीरो। समझना, इन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन में, इन्होंने कहा था शुद्ध जेड शुद्ध वास्तविक है, तो जब आई का मान जीरो लोगे, तो जब आई का मान जीरो लोगे, यहाँ काम करो, यहाँ पर आई वाई है ना, तो एक काम करो यहां पर टू वाई ना लिखो, टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई को रहने दो, तो आई वाई रहने दो यहां पर, तो जब आई वाई जीरो हो जाएगा तो ये मान जीरो हो जाएगा, तो जेड बराबर क्या बचा, जेड बराबर एक्स बचा, ये शुद्ध वास्तविक है कि नहीं है, शुद्ध वास्तविक है, तो प्रूफ हो गया। बी पार्ट, इसके बी पार्ट, जेड बराबर जेड प्लस जेड बार,
तो जेड प्लस जेड बार बराबर जीरो। इन्होंने ये कहा जेड शुद्ध काल्पनिक है, जेड शुद्ध काल्पनिक है मतलब अब की बार आई का मान जीरो नहीं आना चाहिए, समझना। तो इसको पक्षांतर कर दो, तो जेड जेड का मान क्या है, जेड का मान है यक्स प्लस आई वाई, पक्षांतर ना करो, इसका मान है यक्स माइनस आई वाई बराबर जीरो। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2x बराबर 0, तो हम लिखेंगे 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का मान क्या आ गया 0। देखो यहां पर अगर x का मान 0 लेंगे तो हमारे पास z बराबर क्या बचा, आई वाई बचा, बचा कि नहीं बचा, तो हमारे पास शुद्ध काल्पनिक है। तो ये i का मतलब काल्पनिक, और जिसमें i ना हो उसमें उसे कहते हैं वास्तविक, तो इसमें i है मतलब ये शुद्ध काल्पनिक, प्रूफ हो गया z का बी पार्ट, ठीक है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 11 है, x बराबर 1 प्लस आर टू आई वाई, और सिद्ध कीजिए कि x क्यूब और 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16 और बराबर माइनस 17 प्लस 24 आई। तो ये प्रूफ करना है। तो दोस्तों आज के जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 दस्तक हमने वाले कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों पार्ट 2 के लिए अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, तो पार्ट 2 को भी जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। और जिसके भी एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए उसको फटाक से कमेंट कीजिए, मैं सबसे पहले उसको ही प्रोवाइड करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। आप लोग कंप्लीटली कोर्स हम लोग खत्म कर देंगे, हम खत्म कर देंगे, आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक खत्म करते हैं, तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर अपने जो भी दोस्त है उसमें शेयर जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों इसका इतनी स्क्रीनशॉट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।